एनआर अस्पताल चांदपुर बिलासपुर में आंखों के ऑपरेशन शुरू। वन विभाग द्वारा स्वर्गघाट में बनाए जा रहे इको जागरूकता व सूचना केंद्र का शेष बचा कार्य करीब 12 साल बाद पुनः शुरू हो गया है। इससे स्वर्गघाट की जनता में खुशी का माहौल है। उपमंडल स्वर्गघाट के तहत दबाटा स्थान पर इको जागरूकता एवं सूचना केंद्र का शिलान्यास 12 सितंबर 2007 को तत्कालीन वन एवं खेल मंत्री ठाकुर रामलाल ने किया था और इसके निर्माण के लिए 24 लाख की राशि मंजूर करवाई थी। आधे से ज्यादा राशि आरसीसी दीवारों और लेंटल डालने के लिए खर्च की जा चुकी थी, लेकिन बाद में इसका निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इको जागरूकता व सूचना केंद्र तैयार होने से जहां बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, तो वहीं स्थानीय लोगों व युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्वर्गघाट जो कि प्रदेश का प्रवेश द्वार है, आज हम आपको यहाँ पर बनने वाले इको जागरूकता एवं सूचना केंद्र जो कि पिछले 12 साल से जिसका काम ठप था, बंद था, उसका काम अब पुनः शुरू हो गया है, जिससे यहाँ के जो स्वर्गघाट की जनता है उसमें खुशी का माहौल है। लोगों में बता देते हैं कि इस जो ये पर्यटन केंद्र बनेगा, सूचना केंद्र, इसमें लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, पर्यटकों को, वहीं अपने जो स्थानीय युवा है, बेरोजगार युवा है, उनको भी रोज़गार मिलेगा। चलो आज हम आपको दिखाते हैं अपने पर्यटन सूचना केंद्र जहां जिसका काम दोनों सालों से इसमें चला हुआ है। ये यूको पार्किंग का टेंडर ऑनलाइन हुआ है जो कि 7 जनवरी को मेरे को अवार्ड हुआ, उसमें उसके बाद हमने ये काम शुरू कर दिया है। ये 10-12 सालों से लटका हुआ काम था जो कि अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ ध्यान देकर इसका कार्य टेंडर के तहत शुरू कराया है, जिसका काम हमने युद्ध स्तर से शुरू किया है। 31 मार्च का हमारे को इसका टारगेट मिला है। हम कोशिश करते हैं कि 31 मार्च को इसका कार्य खत्म कर देंगे। प्रशासन और सरकार का धन्यवाद करता हूं जो ये इको टूरिज्म का जो काम पिछले 10-12 साल से, मेरे ख्याल से 10-12 साल से रुका हुआ था, इसको चला दिया गया और इससे जो स्वर्गघाट कस्बे का थोड़ा सा नाम भी बढ़ेगा और साथ में जो बाहरी राज्यों से टूरिज्म या टूरिस्ट आते हैं उनके लिए गाइडलाइन भी आगे बताने के लिए भी बढ़िया हो गया और स्वर्गघाट के लोगों के लिए रोज़गार के द्वार भी खुल गए हैं। और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, वो भटक जाते हैं रास्ता, तो ये गाइड के लिए सबसे बढ़िया है और इसके लिए हम सरकार और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वर्गघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। अब एनआर अस्पताल में फेको तकनीक से मोतियाबिंद के ऑपरेशन शुरू। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं जैसे बिना इंजेक्शन व चीरफाड़ के किए जाएंगे ऑपरेशन। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुलेरिया करेंगे इलाज। 30 नवंबर से अस्पताल में शुरू होगी आई ओपीडी। आंखों का होगा कंप्यूटराइज चेकअप। हर शनिवार व रविवार होंगे आंखों के मोतिया के ऑपरेशन। अस्पताल में मोतिया के साथ ही आंखों के अन्य ऑपरेशनों की भी मिलेगी सुविधा। इसके अलावा एनआर अस्पताल में गायनी, मेडिसिन, आर्थो, चाइल्ड सर्जरी व न्यूरो सर्जरी की ओपीडी, आईपीडी, 24 घंटे आपातकाल, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डिलक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर बिलासपुर के इन नंबरों पर संपर्क करें। 9816142532, 9736514253, 7807161466।